अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज किरण के किचन में जो डिश हम बनाने वाले हैं वो है एक बड़ी मज़ेदार आमलेट। और उसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं आपके सामने, हमें चाहिए ब्रेड, इसके 6 से 7 पीसेस। इसके अलावा हमें चाहिए एग्स, मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। सबसे पहले हम ब्रेड को क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। इस तरह से हमने सारे क्यूब्स काट लिए हैं। अब इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें और मिर्चें भी, इनको हम मिक्स कर लेंगे। बंद करें। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल देंगे। मैंने आंच को थोड़ा सा हल्का रखा था, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस छिड़क देंगे। अब इसको हम इससे प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि अंडे के साथ चिपक जाएं। आंच को आपने याद रखें हल्का रखना है, वरना इस प्रोसेस के दौरान अंडा आपका नीचे से जल जाएगा। और इसी दौरान एक और बात याद रखें कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बता दें, दबा दें। इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन दिया है, ताकि मैं इसको पलट लूँगा। ध्यान रखें इस दौरान में आपका अंडा टूटना नहीं चाहिए। मैंने इसको पलट के बाहर निकाल लिया है। हम फ्राइंग पैन में बटर या घी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। अब ध्यान से जो हमने ऑमलेट बाहर निकाला था उसको हम इसके अंदर दोबारा रखेंगे। ब्रेड वाला हिस्सा नीचे की तरफ आना चाहिए। अब इसको हल्की आंच पर पकने दें। इसको 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे हम। स्कूल की छुट्टियों के दौरान आपके बच्चे घर होंगे, यकीनन सी बात है कि वो आपको खाने के लिए परेशान ज़रूर करते होंगे। इस तरह की रेसिपी जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और पकाने में बहुत आसान है, बच्चों को अक्सर बहुत पसंद भी आती हैं। तो आप हमारी रेसिपीज़ को देखते रहें, हमारी पुरानी रेसिपीज़ भी चेक करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर लाजमी करें। 1-2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर लें और इसको इस तरह से काट लें।
इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेयर बना देंगे। मज़ेदार बाव सैंडविच तैयार है, आप इसको नाश्ते में खाएं या अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाएं।